उसने धमकी दी है कि तेरा मर्डर करूंगा और बीच बाजार पे तेरा गैंगरेप करूंगा। ये पूरा का पूरा जो मैंने इकट्ठा करके रखा है और मेरे सोशल मीडिया पे पूरा छान मारी है, एक भी हिंदू टीएमसी कार्यकर्ता ने मुझे गालियां नहीं दी। तमीजी अगर बंद नहीं हुई तो शाही मस्जिद टिपू सुल्तान मस्जिद के सामने कम से कम 1,00,000 मुस्लिम औरतों को लेकर के मैं धरना पर भूख हड़ताल में बैठूंगी। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरा स्टेटमेंट है वो ये है कि 2 मई जब 2021 के विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसके बाद जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में वॉयलेंस और क्रिमिनल नेचर, मर्डर, रेप की घटनाएं, लूटने की, डकैती की घटनाएं, तोड़फोड़ की, आग से जलाने की, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारने की घटनाएं जिस तरह से सामने आई हैं, वो निंदा जताने के तो काबिल है ही है, पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस तरह से टीएमसी के मुस्लिम वर्कर्स औरतों को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, अपनी जुबान से मोलेस्ट कर रहे हैं, उनकी मॉडेस्टी आउटरेज कर रहे हैं, वो बद से बदतर है। हमारे कुरान और हदीस में ये कहीं पर नहीं लिखा है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले को आप गाली गलौज और बद से बदतर गाली गलौज करेंगे। ये कहां से उन लोगों ने मुझे परेशान किया है, मेरी रात की नींद और चैन हराम किया है, मेरी माँ बहन मुझे गालियां दी है और इतनी गंदी गंदी गालियां और इतनी खराब खराब बातें कि जिसको मैं अपने जुबान से दोहरा नहीं सकती हूँ। पर कुछ चीजें मैं आप लोगों को बिल्कुल दूंगी ये सारी चीजें, पर कुछ कुछ बातें जो है मैं जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि बहुत गंदी गंदी गालियां हैं तो मैं वो अपनी जुबान से नहीं बोल पाऊंगी। मैं वजू में हूँ और मैं रोजे में हूँ। मारूफ आजम साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि मैं धंधे वाली हूँ, मैं और जिलाली मस्तान साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि मैं गंदी फैक्ट्री से आई हुई हूँ, मतलब मेरी माँ बहुत गंदी थी। फजले आलम शेख साहब ने बहुत गंदी गंदी गालियां लिखी हैं, बोलो प्रोस्टिट्यूट, बीजेपी की दलाल, बहुत कुछ लिखा है। तुम अपनी शक्ल को देखो, पहले सुअर की तरह लगती हो, हिजड़े की तरह शक्ल है तुम्हारी। शक्ल बनाने वाला कुरान के हिसाब से अल्लाह होता है। तो ये तृणमूल कांग्रेस जो ब्राह्मण औरत का तलवा चाटते हैं, ये कुरान को भी नाउज़ुबिल्लाह बेआबरू कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। एक साहब है मुन्ना खान, इन्होंने साफ लफ्जों में मुझे धमकी दी है कि तेरा मर्डर करूंगा और बीच बाजार पे तेरा गैंगरेप करूंगा। मुन्ना खान साहब, शेख रफीक साहब, ये मटिया बरूद से हैं, कितना पैसा ली हो बीजेपी से, मैं भी दे सकता हूं जो बीजेपी को देती हो, कम ऑन बेबी, लेट्स डू इट। अब आप बताएं कि क्या किसी भी धर्म में, कोई भी धर्म का भगवान या अल्लाह या धर्म की किताब ऐसी बातों और ऐसे स्टेटमेंट को देने की परमिशन देता है? हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी आप लोग प्रेस में कॉन्फ्रेंस में आए हैं या जो जहां तक मेरी बात जा रही है, क्या कोई भी धर्म ये परमिशन देता है? एक ने लिखा है, अरे ओ प्रोस्टिट्यूट, लेकिन RANDI लिखा है, क्योंकि मैं वजू में हूँ इसलिए मैं बोल नहीं सकती। अरे ओ प्रोस्टिट्यूट, सबको पता है कि बीजेपी वाले भड़वे का काम करते हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम है, और तू फिर से RANDI और मदर फ्रकर, क्यों प्रेग्नेंट होने गई थी दिलीप घोष के बिस्तर पर? ये है निसार अहमद, आपने इस बारे में अपने पार्टी के आला कमान से कुछ कंप्लेन किया? डेफिनेटली, मैंने गवर्नर को भी चिट्ठी भेजी है, मैंने श्रीमती ममता बैनर्जी को भी चिट्ठी भेजी है, और सिर्फ इसलिए भेजी है कि अगर ये उनके अंडर गाइडेंस में हो रहा है, उन्होंने ऐसे मुसलमान को बोला है कि तुम जा करके उसको टॉर्चर करो, तो मैं उनसे जवाबदेही करती हूँ, मैं उनसे जवाब चाह रही हूँ, मैंने उनको साफ लिखा है कि आप मुझे जवाब दें। और अगर उनके जानने में नहीं हो रहा है, ये सब अपने मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हैं, देन लॉ टेक इट्स ओन कोर्स।
पुलिस अपनी कार्रवाई अगर ना करेगी तो मैं हाईकोर्ट ऑलरेडी मूव करने के लिए आप उनको जवाब दीजिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जवाब देने का। नहीं नहीं मुझे साफ लफ्जों में लिखा गया है कि तूने मंच पर बीजेपी को जो सपोर्ट किया है इसलिए क्योंकि वो हिंदुत्व पार्टी है। मैं आप लोगों को ये पूरा दे दूंगी, ये हिंदुत्व पार्टी है और अगर तूने बीजेपी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा, तूने बीजेपी को क्विट करके टीएमसी को नहीं ज्वाइन किया तो हम लोग तेरे साथ इससे भी बुरा करेंगे। ये मैं पूरा प्रूफ दे दूंगी यार। ठीक है, प्रूफ दे रही हूं। मैं जुबानी नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको प्रूफ दूंगी। नहीं की है, कुरान पाक में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है लकुम दीनकुम वलियदीन। आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। आपका कोई हक नहीं है कि अगर कोई राम का नाम ले तो आप उसको गलत कहो। श्रीमती ममता बैनर्जी भी चंडी पाठ पढ़ती हैं, वो ब्राह्मण के घर की बेटी हैं, वो खुद भी एक हिंदू घर से आती हैं, पर वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह बोलती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू उनको गाली देंगे। तो उसी तरीके से अगर मैं राम को इज्जत देती हूँ या दुर्गा माँ को इज्जत देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तवायफ बोला जाएगा, मुझे हिजड़ा बोला जाएगा, मुझे प्रोस्टिट्यूट बोला जाएगा, मेरी माँ को प्रोस्टिट्यूट बोला जाएगा। ये कौन सा कुरान है, ये कौन सा हदीस है, ये कौन से प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नत है जिस पर तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम कार्यकर्ता चल रहे हैं? ऐसा कुरान तो मैंने नहीं पढ़ा। हमारा एक अपना चूज होता है कि हम क्या करेंगे। किसी को टीएमसी पसंद है, किसी को एमआईएम पसंद है, किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को लेफ्ट पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है। इट्स नॉट मीन कि आप डिक्टेटरशिप लादिएगा मेरे ऊपर, इट्स नॉट मीन कि आप हिटलर बन जाइएगा कि अगर तू टीएमसी करेगी तभी ठीक है, नहीं तो हम लोग तुमको हिजड़ा बोलते रहेंगे, हम लोग तुमको प्रोस्टिट्यूट बोलते रहेंगे, हम लोग तुमको गंदी गटर का बोलते रहेंगे, हम लोग तुमको बुलाएंगे कि तुम दिलीप घोष का बिस्तर गर्म करती हो तो मेरा भी आकर के करो। क्यों, किसी ने देखा है पश्चिम बंगाल में मुझे दिलीप घोष जी का बिस्तर गर्म करते हुए? किसी के पास ऐसी कोई तस्वीर वीडियो है क्या? किसी ने मुझे उनके बिस्तर तक जाते हुए देखा है? मैंने ऑफिस को भी ये लेटर भिजवाया है, मैंने श्रीमती ममता बैनर्जी को भी लेटर भिजवाया है, गवर्नर को भी भिजवाया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी भिजवाया है और एक कॉपी मैंने क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया को भी भिजवाया है और वुमेन कमीशन को भी, नेशनल वुमेन कमीशन को भी। आज अलविदा जुमा है इसलिए, क्योंकि हम मुस्लिम हैं तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं हमारे अलविदा जुमा के लिए। तो नेक्स्ट फ्राइडे मैं हाईकोर्ट मूव कर रही हूँ, उसके बाद अगर मुझे हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के जाऊंगी। बदतमीजी अगर बंद नहीं हुई तो शाही मस्जिद टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने कम से कम 1,00,000 मुस्लिम औरतों को लेकर के मैं धरना पर भूख हड़ताल में बैठूंगी ईद के बाद, अगर इन्होंने ये बंद नहीं किया तो। और उसके बावजूद भी अगर बंद नहीं हुआ तो मैं कालीघाट में श्रीमती ममता बैनर्जी के घर के सामने बैठूंगी, क्योंकि उन्होंने मुसलमान ने ही उनको जिताया है और मुझे बहुत खुशी है कि वो जीती। मैं हम लोग एज एन अपोजिशन सामने आए, ये मैंने सारे चैनल पर बोला कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं जनता की बात। जनता ने एज एन अपोजिशन हम लोगों को चूज किया, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, पर उसके बाद ये गाली गलौज क्यों, उसके बाद फिर इतनी बदतमीजी क्यों, उसके बाद फिर मुझे रेप की धमकी क्यों, मुझे प्रोस्टिट्यूट क्यों बोला जा रहा है, मुझे हिजड़ा क्यों बोला जा रहा है, मैं हिजड़े जैसी निशानी? आज श्रीमती ममता बैनर्जी के लिए जो मुसलमान ये सब कुछ कर रहे हैं क्या वो मुसलमान है? श्रीमती ममता बैनर्जी भी तो एक ब्राह्मण की बेटी है, वो भी तो एक हिंदू है। अगर मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक हिंदू की पार्टी कर रही हूँ तो तृणमूल कांग्रेस कोई मुसलमान की पार्टी नहीं है, कोई अरब की पार्टी नहीं है, कोई मक्का मदीना की पार्टी नहीं है, वो भी एक हिंदू की पार्टी है। इस जहालत को रोकने के लिए, इस क्राइम को रोकने के लिए, जिस तरह से मेरे साथ बदतमीजी हो रही है उसको रोकने के लिए मैं कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जितना हो सकता है धरना भूख हड़ताल, लाखों लाख मुसलमान औरतें मेरे एनजीओ से जुड़ी हुई हैं उन सबको लेकर के मैं जरूर धरना पे बैठूंगी। और मुझे श्रीमती ममता बैनर्जी से जवाब चाहिए कि आखिर इन तमाम मुसलमानों को आपने इतनी छूट क्यों दी कि वो औरतों को इस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं। मेरे घर पे मेरी माँ बहनें खतरे में है, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि पुलिस अपनी कार्रवाई करे और जल्द से जल्द इस चीजों को रोकने की कोशिश करे, अदरवाइज नॉट टेक इट्स ओन कोर्स। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।